साथ जो तुम हाँ फिर सच है कहानी मेरी, साथ नहीं तुम तो फिर छूटी है गुमानी मेरी। तुझसे वफा जब की तो जाना मैंने जीना, जो तू कही मेरी बाहों से तो नफरत माशूक और मौत से खुली यारी मेरी। वफाए जिंदगी से भी है बेवफाई मेरी, मौत को भूल मुझसे पत्थर है जुदाई तेरी। जाना तेरे बाद में जिंदगी जीने लायक नहीं, तो कसम मुझे आपकी चलेंगी ना ये सांसें मेरी। कसम मुझे आपकी बेगानी है ये राहें मेरी, मैं खाने खफा क्योंकि नशा देती आंखें तेरी। सोना जो डूबा वही पार, तो लो कश्तियां डुबाई मेरी। नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, अपने अपने घरों में। इस वक्त यंग गालिब और कर्मा सेफ नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिस निकाल रहे हैं। एंड जैसा मेरे को पता लगा है, मेरे को ये पता लगा है कि पिछले 3 या 2 दिनों में यंग गालिब के 2, कर्मा का 1 डिस आ गया। मतलब कर्मा तो इतना फास्ट था कि मतलब उसने शायद 8-9 या 1 दिन के अंदर ही, 8-9 घंटे या 1 दिन के अंदर ही निकाल दिया था। एंड सेम गोज विद यंग गालिब, जो सेकेंड डिस ट्रैक आया वो 5 घंटे पहले का आया हुआ है। आई एम रियली साइड, आई एम रियली एक्साइटेड क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग ड्यू बीफ चल रही थी। कभी हुड में तो आज से चल रही थी ये, मतलब साल भर खिंच गया ये। बट आई एम ग्लैड इट इज़ हैपनिंग फाइनली। मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ है अभी दूसरे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तुमने टीज़र देखा वो मेरे ही गाने का था। इल बी वेरी नाइस इफ़ यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड टेल मी आपको कैसा लगा कैसा नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा गाना सुनते हैं, बीस्ट मोड बाय यंग गालिब, प्रोड्यूस बाय रीफिक्स। रीफिक्स इज द मेन गाय फॉर बंटा रिकॉर्ड्स नाउ, विच इज़ अ वेरी गुड, ही इज़ अ गुड आर्सेनल टू हैव विद योर बटालियन, विद योर विद, मतलब तुम्हारे साथ अगर वो बंदा है रीफिक्स तो यू हैव एन अपर हैंड, बिकॉज उसका म्यूजिक बहुत सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जिसको नहीं पता, मैंने कर्मा का जो एयरप्लेन मोड था उसका जो रिएक्शन है वो मैंने दे दिया है ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में मेरी। थोड़ा देरा पूरा परिवार क्यों, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा, सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में, तो इस बार तेरे लिए बार ले गया। ज्यादा था मैं विस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। तूने खुद पहले जी पे किया तो फिर री पे किया तेरा उद्धार में। तुझे लगे मेरी औकात नहीं, मैं भार तेरी औकात से। सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में, तो गाली कैसे खाएगा तू मिल बांट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, 44 seconds and this guy is all up against him, man. कहता है कि तूने घर छोड़ दिया तो अब तू मिल बांट के कैसे गाली खाएगा, अब तो तुझे अकेले खानी पड़ेगी लगता है। और छोड़ा तूने परिवार क्यों, क्योंकि परिवार में प्यार नहीं बचा। ओए सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में, तो गाली कैसे खाएगा तू मिल बांट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है, 35 से डील और 40 पगार है, 34 के अंकल को दिए सुधार है, 36 उसमें यही लाइंस थी काफी सारी कि मैं पीस बांटने आया हूँ, बट अगर कोई राइवल मेरे सामने होगा तो आई विल गेट हिम ऑन हिज नीज ब्रो। तो वही सेम चीज़ का रेफरेंस दे रहा है वो, कि मैं तो पीस बांटने आया था, मेरा मूड ही नहीं था ऐसा करने का कुछ, लेकिन जब मैंने देखा कि सारे एक ही बंदे के पीछे पड़े हुए हैं तो अब मेरे को उतरना पड़ा। तो ठीक है, ही इज़ एक्चुअली जस्टिफाइंग कि मैं एक्चुअली क्यों डिस कर रहा हूँ कलमकार के आर्टिस्ट को, कर्मा को या किसी को भी, कि मेरे पीछे का रीज़न क्या है। एंड इट इज़ क्वाइट लेजिट। ये सारे कुत्ता नहीं, कुत्ते के नाम पे कलंक है, कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है। हजलम गिए ले अगेरो में जिए ले, तब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। अगली से बिल्डिंग अल्लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। हजलम गिए ले अगेरो में जिए ले, तब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। अगली से बिल्डिंग अल्लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में, गाली नहीं आई ना तो किसी का फियर नहीं।
तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था। एक दिन मैं देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का, मैं दिखता नहीं हार जीत मुझसे करमा ने दे दिया एक दिन में रिप्लाई। शिट ब्रो, भिड़ेगा बनेगी चार शीट, टू GOAT की लास्ट ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद। ये भैया के घर में हम लोगों के दिल में, पुसी जब आएगी घुसेगा बिल में। लेबल क्यों छोड़ा जब लाखों के डील्स थे, लेबल को ट्रस्ट नहीं था क्या स्किल्स पे। पहले भी लिया था मैं तेरी ड्रिल पे, ये वो बिल गेट्स जो करते नहीं बिल पे। गरम का फल ये खाना तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। यंगू काफी ये बात मैं मानता, हिसाब था बाकी बना बाकी हानमा। मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा, लादी ने तू तो बना मैं ओबामा। ये मैं करते सीधा करते नहीं, ये गैस रोते नहीं, क्योंकि लाइफ है बहुत ही ब्लेस। जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 years of death। ट्रिगर तो किया तो दूंगा एंजाइटी, लिखकर नहीं पीता मैं मेरे में जायज नहीं। तेरे इलाके में मेरे भी भाई जी पड़ेगी, उधर आवाज इधर आएगी, गानों में ड्रामा करे है दम अगर सामना करे, खुदा तुझे कामयाब करे। आए बीफ का ख्याल तो ये नाम याद रहे मेरा। Shit, this beef is, I mean, this track is so subtle and yet so powerful, भाई क्या बताऊँ मैं तुमको। Damn bro, 2 minutes 16 seconds, कोई ऐसा मतलब all raged up नहीं है, but he is after him। याद रहे मेरा। सही। Airplane mode से हटा दे फोन, गाना आ गया मेरा। Nice। This out bitch। चलो। बहुत आला, बहुत सही। जो इस गाने की मतलब सोल थी ना, वो जो मेरे को लगा वॉज गालिब्स फ्लो। ब्रो द फ्लो वॉज किलर। एंड के 30 seconds, 1 minute में जब वो कहता ना मैंने ड्रिल पे पहले भी ली थी, वहाँ से लेके एंड तक जो फ्लो टाइट रखा है बंदे ने, मतलब यू आर हुक्ड, तुमको टाइम का पता नहीं लगता है। वो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको जिनका फ्लो इतना कैड़ा होता है कि तुमको पता नहीं लगता कि यार तुम पिछले 1 minute से सुन रहे हो। यू आर लाइक कि अब मतलब एक बार ही कंप्लीट हुआ है, पर पता लगता है 1 minute कंप्लीट हो गया, वो इतना सही फ्लो होता है। आई रियली लाइक द फ्लो। बातें जायज थी, ही डिडंट वेंट ऑल इन इस दिस ट्रैक में, मुझे ऐसा लगा। एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि ही इज़ पुटिंग द बॉल ऑन कर्मा स्कोर्ट। अगर कर्मा गाली देगा तो मैं गाली दूंगा, शायद ऐसा है कुछ, मुझे नहीं पता। पर इसने एक मतलब गाली नहीं दी, शायद एक भी गाली नहीं दी डिस ट्रैक में। एमीवे वोंट बी प्राउड, क्योंकि एमीवे अगर डिस है तो माँ बहन सब आएंगी फिर। पर नहीं मतलब सीरियसली माँ बहन नहीं, मतलब गाली, वो जो स्लैंग आएगा अपना गालियों का कि चोट डाला या जो भी है। बट आई रियली लाइक द ट्रैक, मेरे वो एयरप्लेन मोड निकाला था तो इसलिए मेरे का मतलब पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मेरे एक क्राय कॉल होती है जब आपका एयरप्लेन जो है, जब आपका एरोप्लेन है उसका कंट्रोल खो जाता है, उसमें कुछ दिक्कत आती है, उसमें जब आपको मेडे इज द सीरियस थिंग कि मतलब अभी ये एरोप्लेन जाने वाला है। इट्स इस टाइप पे मेडे। आई लाइक द ट्रैक, आई लव द वाइब, आई लाइक हाउ ही काउंटर्ड कर्मास कॉल आउट, क्योंकि कर्मा का वो प्रॉपर डिस नहीं था। अभी कर्मा का सुनते हैं कैसा होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे, अगली वीडियो आ जाएगी 2 घंटे में इसके डलते ही, तो गेट रेडी। उस बीच में तुमको मेरा ट्रैक चेकआउट करना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल का नाम है आरबी वेजिटा, ट्रैक का नाम है विदाउट यू। स्पॉटिफाई लिंक वगैरह सारी नीचे दी हुई है, जाके बताओ, चेक करो तुम्हें कैसा लगा कैसा नहीं। मिलता हूँ मैं यहाँ से, निकलता हूँ, फटता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। When I saw you first time, babe, I chose you. Crossing all the borders so that, baby, I can be with you. Just trust the time, baby, thoda sa sabr kar. Jaise hua tera main, baby, hogi jaldi meri tu. Jaise hua tera main, jaise hua tera main, jaise hua tera main, jaise hua tera main. I chose you then, I choose you now, and I'll keep choosing you.